रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। बुद्धिजीवी सम्मेलन से प्रदेश भाजपा नागरिकता कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को करेगी दूर। इसके लिए जिला स्तर पर बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ताकि आम जनता को नागरिकता कानून की पूरी जानकारी मिल सके। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। बुद्धिजीवी सम्मेलनों से प्रदेश भाजपा नागरिकता कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करेगी। इसके लिए जिला स्तर पर बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें बाद में मंडल स्तर पर ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ताकि आम जनता को नागरिकता कानून की पूरी जानकारी मिल सके। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने हमीरपुर में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन के बाद प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पंपलेट बांटकर भी नागरिकता कानून की वास्तविकता जनता तक पहुंचाएंगे। विपक्ष नागरिक कानून के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहा है। देश में अराजकता फैलाने के लिए कांग्रेस व विपक्षी दल जिम्मेदार हैं। विपक्षी दल जान माल की हानि पर उतर आए हैं। इसकी भाजपा कड़े शब्दों में निंदा करती है। सतपाल सती ने कहा कि नागरिकता कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। 31 दिसंबर तक हर जिला में ये सम्मेलन आयोजित होंगे। इसके बाद भाजपा की जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी भाजपा की जिला व मंडल कार्यकारिणियों के गठन के बाद मंडल स्तर पर बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। लोगों को पर्चे बांटकर इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश भाजपा का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 27 दिसंबर 2019 को शिमला में भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। सरकार की उपलब्धियों को इस रैली में जनता के समक्ष रखा जाएगा तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। रैली में गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहेंगे। अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद जो देश के कांग्रेस पार्टी और अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल देश के अंदर अराजकता फैलाने में जो भूमिका अदा कर रहे हैं और इस देश की जान और माल की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है इसमें क्या जानकारियां हैं, उन जानकारियों को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालय के ऊपर और विधानसभा मुख्यालय के ऊपर बुद्धिजीवी सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर तक हम लोग हिमाचल प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर यह सम्मेलन करेंगे। आज हमीरपुर का बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित हुआ है, उसके बाद हम मंडलों में जाएंगे और उसके साथ साथ जनता को जागरूक करने के लिए पंपलेट बांट करके जनता के ध्यान में लाएंगे कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस देश के हित में है, किसी के विरोध में नहीं है, किसी अल्पसंख्यक को डरने की जरूरत नहीं है और न ही किसी अल्पसंख्यक को घबराने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को बाहर निकालने का नहीं है। ये बाहर से जो शरणार्थी आए हुए हैं उनको नागरिकता देने का बिल है। 2 साल हो रहे हैं तो 27 दिसंबर को शिमला में अमित शाह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक बड़ी रैली 25,000 कार्यकर्ताओं की रैली करने का निर्णय लिया है। उसमें जगत प्रकाश नड्डा जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल जी के साथ साथ अन्य सब लोग वहां पर आएंगे, आदरणीय शांता कुमार जी, जो सब लोग वहां पर पहुंचेंगे, जयराम जी और सब पूरा मंत्रिमंडल और पूरे MPs, MLAs, पूरे विधायक, पूरे मंत्री, सब लोगों को हमने निमंत्रण दिया है कि वो शिमला में पहुंचेंगे और उस रैली में हम सब लोग हिमाचल प्रदेश में जो 2 वर्ष तक हमारी गवर्नमेंट चली है उस गवर्नमेंट के रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखेंगे।